हेलो फ्रेंड्स, लेडी पाम के बारे में बात करेंगे जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है और ये भी बहुत आसानी से उगा सकते हैं हम। और ये देखने में भी बहुत सुंदर होता है। ये देखिए, जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा और खुद ही एक ग्लोब के आकार में नए प्लांट निकालता रहेगा और पूरा भरता जाएगा। ये जितना भरा रहता है उतना ही अच्छा लगता है। और आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑफिसों में भी लगाए रहते हैं, ये घरों में भी लगे रहते हैं, इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। ये भी एयर प्यूरीफायर प्लांट है और इसमें भी देखो बेबी प्लांट्स कितने सारे निकल रहे हैं। तो इसे भी बहुत आसान होता है आसानी से लगाना, आसानी से उगाना। इसका भी मैं आपको डिवाइड कर रूट डिवीज़न करके दिखाता हूँ, ये बहुत इजी है। मेरे पास ये एक प्लांट है, इसमें एक बेबी प्लांट निकला हुआ है, ये तो मैं इसे आपको अलग करके दिखाता हूँ। बहुत आसानी से हो जाता है भी। ये देखिए, इसे भी हम अपने दो भाग में खींच के अलग कर लेते हैं। तो एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। दोनों में अच्छी खासी रूट्स है, तो एक को तो हम सेम इसके पहले वाले गमले में लगा देंगे और दूसरा दूसरे गमले में लगाएंगे। इसमें हम गार्डन सॉइल ले सकते हैं, कोको पीट भी मिला सकते हैं और थोड़ा सा सैंड भी मिला सकते हैं। इसकी जितनी मिट्टी इसकी वेल ड्रेन होगी उतना ये प्लांट अच्छा ग्रो करेगा और आसानी से उगेगा। इतना हैवी होता जाएगा प्लांट उतना सुंदर लगेगा। और आप इसे अपने ड्राइंग रूम और ऑफिस में आराम से रख सकते हैं। 10-15 दिन में भी एक बार आप इसे धूप दिखाओगे तब भी चलेगा, बस थोड़ी सी ब्राइट रोशनी में रखना, घर में भी रख रहे हैं तो। इस तरह से आपके सामने एक से दो प्लांट हो गए, तो उसे चार, चार से छः जितना मर्जी बना सकते हैं आप। और जैसे जैसे इनकी छोटे प्लांट में बेबी प्लांट्स की संख्या बढ़ते जाए तो आपका गमले का साइज बड़ा करते जाओगे, उसी हिसाब से इतना खूबसूरत बनता जाएगा। अच्छे और जितने सुंदर गमले में लगाओगे ये उतना ही सुंदर दिखेगा। जैसे आप ये वाला प्लांट देख सकते हैं, मैंने इसे इसमें लगा रखा है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नए प्लांट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा मैं।